मुंबई से फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां जबरन प्रेम जाल में फंसाकर बनाए संबंध और फिर धर्मांतर। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर शहर में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहां रहने वाले 22 साल की एक युवती ने अपने प्रेमी अमीन आजम शेख और उसके परिवार वालों पर नया नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित लड़की का आरोप है कि अमीन शेख ने अपनी माँ और बाकी आरोपियों के साथ मिलकर लड़की को न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया है। पीड़िता ने शिकायत में आरोप लगाया कि उसे डरा धमका कर आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने का डर दिखाकर उसका धर्मांतरण किया गया, जिसके बाद नयानगर पुलिस लड़की के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर अमीन सहित सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुट गई। लड़की ने अमीन की मां रेशमा आजम शेख, काजी मुफ्तीन इस्माइल, जरियाब सलीम सैयद और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ नया नगर पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 376, 366, 323, 504, 406 और 34 के तहत मामला दर्ज कराया। क्या है पूरा मामला, आइए बताते हैं आपको। दरअसल पीड़ित लड़की ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि 2022 में उसकी पहचान बोरीवली में रहने वाले सहबाज नामक लड़के से हुई थी। सहबाज अक्सर उससे मिलने मीरा रोड स्टेशन के करीब उस कंप्यूटर क्लास कोचिंग में आता था, जहां पीड़िता कंप्यूटर सीखती थी। सहबाज ने पीड़ित लड़की की पहचान अमीन शेख से कराई थी। पीड़िता ने कहा कि अमीन शेख थोड़े दिनों की मुलाकात के बाद 16 फरवरी 2022 को मेरे कंप्यूटर क्लास के बाहर मिलने आया और मुझे आई लव यू बोलकर प्रपोज करने लगा। जब मैंने उसे मना किया तो उसने चाकू निकाल कर कहा कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, अगर मैंने हाँ नहीं बोला तो खुद को चाकू मारकर आत्महत्या कर लेगा, जिसके बाद मैं डर गई और मैंने उसे आई लव यू टू बोल दिया। इसके कुछ दिनों बाद अमीन ने मुझे अपने घर ले जाकर अपनी अम्मी और अब्बू से मिलाया। इसके कुछ दिन बाद अमीन ने यह कहकर पीड़िता को अपने घर बुलाया कि उसके भाई की बेटी बीमार है, उसे देखने के लिए अस्पताल जाना है। जब पीड़िता अमीन के घर पहुंची तो वहां अमीन के अलावा कोई नहीं था। इसी बात का फायदा उठाते हुए अमीन ने मुझे आत्महत्या करने का डर दिखाकर मेरे साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद 21 जून 2022 को अमीन गाड़ी लेकर पीड़िता के घर के बाहर आया और उसे मिलने के लिए बुलाया। बता दें कि पीड़िता ने शिकायत में आगे कहा कि गाड़ी में अमीन के साथ दो लड़के और बैठे हुए थे। मेरे गाड़ी में बैठते ही एक लड़के ने मुझसे कहा कि आपको लाने के लिए हमें मस्जिद से भेजा गया है, आप हिंदू से मुसलमान बनने वाले हो, उसके बाद आप काफिर नहीं रहोगे। उसके बाद मुझे बांद्रा के एक काजी के पास लेकर गए, जहां काजी ने मेरा नाम बदल कर राहिमा रखते हुए 100 रुपए के 3 स्टैम्प पेपर पर मेरा साइन लिया। उसके बाद अमीन ने मुझे उत्तन के हजरत वाले सर सैयद दरगाह ले जाकर मेरे हाथ में ताबीज बांधा। पीड़िता के मुताबिक दूसरे दिन जब मैं अमीन के घर गई तो उसकी माँ ने मुझे देखते ही कहा कि इस काफिर को क्यों घर पर लाया है। इसके साथ ही लड़की को यह भी पता चला कि अमीन पहले से ही शादीशुदा है। जिस बच्ची को उसने उसके भाई की बेटी बताकर मिलाया था वो उसकी बच्ची है। इसके बाद पीड़िता पर अमीन और उसके घर वालों का अत्याचार बढ़ता चला गया। यही नहीं, अमीन पीड़िता को जबरन घर में बंद करके रखता था, जहां से एक बार पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद उसे छुड़ाया था। अब इस मामले में नया नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है।